नमस्ते, और एक फिर शूट इट विल कंटिन्यू विथ अ न्यू फैशन स्टेटमेंट विथ अ न्यू साड़ी विथ न्यू लुक्स एंड अटायर्स। बेकार खोल देती हूँ ना। तो कैसे हैं आप सब लोग? बैक टू बैक बहुत शूट कर रही हूँ, पता नहीं कल कैसी मेरी तबीयत रहे ना रहे इस वजह से। अच्छा, बात करते वक्त मेरे हाथ हिलते हैं क्योंकि उसका कोई एस्थेटिक रीज़न है। तो आप लोग हर चीज़ को कस्टमाइज़ करके अपने अपने मुताबिक मत समझे। हर चीज़ का एक रीज़न होता है और मैं वो रीज़न के अनुसार जीती हूँ। जी हाँ, आई एम अ वेरी मच स्पिरिचुअल पर्सन, और जितना मैं मॉडर्न दिखती हूँ उससे ज़्यादा मैं एस्थेटिक भी हूँ। ऑन द पर्सनल ग्राउंड जो मुझे जानते हैं वो जानते हैं कि मैं कितनी आध्यात्मिक वातावरण में रहती हूँ, और कोई कुछ भी कहे, भगवान से अगर कोई खिलवाड़ करे तो वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो कमिंग टू द पॉइंट, आज मैंने शूट की है और अगेन अ ब्रालेट, आई नो दैट विल बी अ डिबेट, मैनी विल लाइक मच विल डिसलाइक। सो ये डिबेट तो होता ही रहेगा, क्योंकि एक चीज़ बता दूँ, फैशन जो लोग नहीं जानते, ज़्यादा से ज़्यादा जो फेसबुक में है यूट्यूब में है वो फैशन फ्रेटर्निटी से बिलोंग ही नहीं करते, तो उनको फैशन समझाना मतलब भैंस के आगे बीन बजाना। और मुझ में वो कैलोरी नहीं है, हफ्ते में एक बार या दो बार मुझे खाना मिलता है। जी हाँ, खाना मिलता है, मुझ में और क्षमता ही नहीं है खुद पकाने के लिए। हालांकि घर में मैगी और सूप से ये सब रहते हैं, लेकिन करने के लिए भी क्षमता नहीं रहती। और अभी बच्चों को पालना, बच्चों के लिए सब कुछ करना हो नहीं पा रहा है, मतलब हेल्थ सपोर्ट नहीं दे रहा, तो सबका कुछ काम कैसे करूँगी। तो ये डिबेट तो चलता ही रहेगा कि मैं क्या पहन रही हूँ ना पहन रही हूँ। पहनावा में ना जाए तो बेहतर है, जो पहनावा में जाएंगे तो बहुत कुछ कच्चा चिट्ठा निकलेगा, बहुत लोगों का बहुत कुछ निकलेगा। और मैं वैसे ही मुँहफट हूँ, मैं बोल दूँगी मुँह के ऊपर। जो ज़्यादा कॉलर ब्लाउज़ पहनते हैं उनका चरित्र ज़्यादा ही ख़राब होता है। मैं बोल्ड इन अटायर हूँ, बोल्ड इन स्टेटमेंट हूँ और बिंदास रहती हूँ, लेकिन आई नो वेयर टू ड्रॉ द लाइन। सो डिबेट विल कम, क्योंकि मुझे किसी ने बोला कि आप एक ऐसे प्लेटफॉर्म में हैं, आप अगर बुर्का भी पहन के खड़ी रहेंगे कैमरा के सामने तो उसको भी, आपको उस हालत में भी आपको टारगेट किया जाएगा। तो मैं तो हूँ हिंदू, मैं तो बुर्का नहीं पहनूँगी, और मैं कॉलर वाला ब्लाउज़ भी नहीं पहनूंगी। मुझे जो अच्छा लगेगा मैं वो पहनूंगी, क्योंकि आई बिलोंग फ्रॉम द फैशन फ्रेटर्निटी। मैंने बहुत साल मेहनत करके, पैसा दे के, एक फ़ीस, मोटी रकम एक फ़ीस दे के, मैं एक रेपुटेड जगह से मैं पढ़ी हुई हूँ, द ड्रीम मर्चेंट, गूगल में सर्च कर लीजिएगा, जिसका पहले कलकत्ता में ढाकुरिया सलीमपुर में ऑफिस हुआ करता था। अभी वो शिफ्ट होके, क्योंकि कलकत्ता में एस्कॉर्ट बिजनेस के अलावा कुछ नहीं रहा है, तो इसलिए वो बेंगलोर में शिफ्ट हो गए हैं। और मुझे बुलाया भी गया था, लेकिन तब माँ की हालत बहुत ख़राब थी, और एज़ यूजल मुझे सब कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ा फैमिली की वजह से। सब कुछ ही हर नेम, मतलब जब मैं फेमिना मिस इंडिया में पार्टिसिपेट करने वाली थी, फॉर्म फिलअप करने वाली थी, तब जबरन मेरी शादी करवा दी गई ऐसे एक इंसान से जिनको फैशन के बारे में कुछ मालूम ही नहीं है। उनका एक ही है, साड़ी पहन के बैठे रहो। तो ऐसे बहुत से ज़िंदगी में मूड आए, उसके बाद पापा अचानक से चले गए, पापा पहले बस एक्सीडेंट, उसके बाद पापा बिस्तर ले गए, उसमें पूरा घर का माहौल मुझे संभालना पड़ा, उसके बाद पापा गुजर गए, 7 महीने जिंदा रहे, बेड रिडन थे, उसके बाद पापा गुजर गए, उसके बाद पूरा घर का जो बागडोर है मुझे संभालना पड़ा। तो ऐसे करते 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 ज़िंदगी कब 40 पार कर गई पता ही नहीं चला। तो अपने लिए कभी मैंने सोचा ही नहीं, हर वक्त दूसरों के लिए सोचा, ये भी गलत है। इतना भी थोड़ा बहुत अपने लिए, मैं बोलती हूँ थोड़ा बहुत अपने लिए खुदगर्ज़ होना कोई गुनाह नहीं है। मैं उन बच्चियों के लिए बोलना चाहती हूँ जो ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं, बिल्कुल करो, अपने दायरे में रखे बिल्कुल करो। इतना थोड़ा बहुत खुदगर्ज़ होना बहुत ज़रूरी है। इतना भी मत इन्वॉल्व हो जाओ फैमिली के लिए कि जीवन के आखिरी पड़ाव में तुम्हें सिर्फ पछतावा मिले, जो कि मुझे मिल रहा है। मैं बहुत कुछ कर सकती थी
और जितना मैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में मैं आके बोल रही हूँ इतना, और क्या इतना मैंने जितना मैंने पोस्ट किया है एक साल में, और पहले भी मैं थी, ये नहीं कि दिस इज़ द फर्स्ट आइडिया ऑफ माइंड, जो मेरा पहले हैक हो चुका था इन द नेम ऑफ प्रियंका चौधरी, जो कि मेरा ऑफिशियल नेम है, वहाँ भी मैं थी। तो इतना लोगों को पता है कि नहीं इस बंदी में बात है, लेकिन बहुत लोगों ने बहुत कुछ बोला, लेकिन क्या करूँ, बहुत ज़्यादा इमोशनल हूँ, जो कि हुआ होना नहीं चाहिए। मेरे दोस्त लोग जो मुझे देख रहे हैं, बहुत सारे स्कूल के फ्रेंड्स हैं, कॉलेज के फ्रेंड्स हैं, NIT के फ्रेंड्स हैं, तो वो लोग मुझे बोलते हैं कि थोड़ा सा खुदगर्ज होना प्रियंका कोई गुनाह नहीं है। जिंदगी भर तू अपने परिवार के लिए जीती रही, लेकिन अपने लिए तूने कभी जिया नहीं है। बिल्कुल सही बात है। अब मेरे पास और समय भी नहीं है। टर्निंग टू 43 नवंबर 6 टर्निंग टू 43, अब मेरे पास ना समय है, ना हौसला है, ना शरीर में वो ताकत रह गई है कि मैं फिर से बहुत कुछ करने की उम्मीद रहूं। आज जो मैं कर रही हूं सिर्फ अपना लाइवलीहुड बचा के रखने के लिए, बरकरार रखने के लिए, क्योंकि मुझे मेरी माँ ने ऐसे मोड़ पे छोड़ के चली गई, ना कि मुझे फैमिली पेंशन मिल सकता है, ना ही मैं आगे कुछ और करने के मुझ में क्षमता है। फैमिली पेंशन इसलिए नहीं मिल सकता क्योंकि जो मैरिज सर्टिफिकेट है उसमें मेरा एज बढ़ा के लिखा गया है, तो मैं कभी भी इलीगल काम नहीं करूँगी। बहुत लोगों ने मुझे बोला था माँ के जाने के बाद कि तुम माँ का पेंशन ले लो, पापा का पेंशन ले लो, तुम तो अनमैरिड ही हो, ये मैरिज तो कोई वैलिड ही नहीं है। लेकिन वो जो पेपर है कोई भी है, मेरे बहुत सारे प्यारे दुश्मन हैं उसको लेके मैनिपुलेट कर सकते हैं, तो इसलिए मैं माँ का पेंशन नहीं ले पाऊँगी। आज के तारीख में अगर माँ जिंदा होती तो अराउंड 40,000 माँ का पेंशन होता, तो 1,00,000 का खर्चा है मंथली, 95,000 तो 1,00,000 का खर्चा है मंथली, तो सोचिए 40,000 तो कम होगा। और ये भी नहीं कि मैं बहुत सारा कमा रही हूँ यहाँ से, बिल्कुल कमा नहीं रही, क्योंकि मैं वैसा काम ही नहीं कर पा रही हूँ। और लोग जो देखते हैं वो है अश्लीलता पसंद करते हैं, और वो तो मैं करूँगी नहीं। मैं बोल्ड एंड ब्यूटीफुल का डेफिनेशन दे रही हूँ, मैं फैशन स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। लोग मुझे ज़्यादा से ज़्यादा साड़ियों में देखने पसंद करते हैं, तो मेरे पास ढेरों हज़ारों साड़ियाँ हैं, मेरी खुद की है, नहीं मैं किसी की मांगी हुई कपड़ों में मैंने पहनती, मेरी खुद की है। पीछे जो अलमारी देख रहे हैं वो बमटी कूट की है, वो मेरी माँ की अलमारी है शादी के टाइम, उसमें ढेरों, उसके में जो साड़ी है उसमें कम से कम 25-30 लाख रुपए का साड़ी है, क्योंकि माँ की ज़्यादा से ज़्यादा साड़ियाँ सब सिल्वर जड़ी के ऊपर होता था, मेरे नाना जी बना के ऑर्डर करके देते थे, तो वो तो अभी तक मैंने खोला नहीं, देखा भी नहीं है। तो ये है ज़िंदगी, सब कुछ होते हुए भी खाली हाथ बैठी हुई हूँ। शायद यही मेरे नसीब में लिखा है कि किसी के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना चाहिए। माँ माता पिता के लिए किया, वो लोग अपना ज़िंदगी जी कर चले गए। सो कल पति के लिए किया, उन्होंने अपना उल्लू सीधा कर लिया, उसके बाद वो भी अपने दुनिया में है। अकेली रह गई मैं, अपनी लड़ाई खुद लड़ी, और भीख मांगने का स्वभाव नहीं है बिल्कुल। मैं लोन में लेना पसंद करती हूँ किसी भी चीज़ लोन, क्योंकि लोन में लेने से मेरा सर ऊंचा रहेगा, इन द सेंस क्योंकि मैं विथ इंटरेस्ट उनको लौटा रही हूँ, चाहे वो सूद के हो। जब मेरा अच्छा खासा, जब मेरा कपड़ा का बिजनेस चल रहा था, तो बिफोर पूजा के टाइम मुझे इतना प्रोडक्ट लिफ्ट करना था, साड़ी ड्रेस मटेरियल्स, कम से कम 20 लाख मुझे पूजा से पहले लोन लेना था, लेती थी मैं लोकल जो मनी लेंडर्स है उनसे मैं 15-20 लाख रुपए लेती थी, और आज तक का रिकॉर्ड है कि कभी मैं कहीं भी डिफॉल्टर नहीं रही। तो मुझे भीख मांगना पसंद नहीं है, मुझे लोन में लेना पसंद है, खुद कमाना पसंद है, और आई होप आई प्रे टू गॉड कि मेरा जो हक का पैसा है, मेरा जो हक का प्रॉपर्टी है, वो अगर मुझे मिल जाए, मैं ये सब छोड़ के गंगा नहाऊंगी। क्योंकि वो गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून तक ठीक है, लेकिन सोशल मीडिया में
रोज़मर्रा इंटरेक्शन करना इट्स टू टफ, क्योंकि इतने वाहियात लोग भरे हुए हैं, बहुत अच्छे अच्छे लोग मुझे मिले हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया लोग मिले, लेकिन उनके तादाद जो है बहुत कम है। घटिया से घटिया लोग, घटियापंथी सोच, ये लोग ये नहीं सोचते जे ये लड़की ऐसी कोई काम नहीं कर रही, इस लड़की को ऐसे गाली गलौज या स्लैंग्स बोलना अलाउड नहीं होना चाहिए। हम इस लड़की को अपने घर की बेटी क्यों नहीं समझ सकते? जिस दिन लोग दूसरे औरतों को अपने घर के प्रॉपर्टी समझ के, अपने घर की इज्जत समझ के इज्जत करेंगे ना, उस दिन शायद दुनिया में कुछ बदलाव होगा, स्पेशली सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में कुछ बदलाव होगा। सो मैं मजबूर हूँ, मेरे पास कोई चॉइस नहीं है। बहुत से साड़ियों का शूट आता है, लेकिन मैं कलकत्ता का कोई शूट एक्सेप्ट नहीं करती, क्योंकि इतना भिकमंगा नेचर है कि हम बस फेयर और खाना दे देंगे। लड़कियां भी दौड़ती है फेमस होना है, लेकिन वो लोग नहीं जानते कि ये कोई फेमस नहीं है, एक रैकेट है, ये एक ट्रैप है। कल आपको वेश्या बनाया जाएगा, हर जगह होटलों में भेजा जाएगा। आप एक बार अगर होटल में बिस्तर में किसी के चले गए ना, तो आपको रोज़ करा जाएगा, क्योंकि ये एक रैकेट है। आपको ब्लैकमेल किया जाएगा, कहीं ना कहीं हिडन कैमरा होगा, आपका प्राइवेट मोमेंट कैप्चर किया जाएगा। ये ऐसा एक दलदल है जिसमें आप धंसते ही जाएंगे, जिसमें कभी मैं नहीं पड़ी, क्योंकि मैं अपना एक टाइम था मुझे पानी में नशे की गोली मिलाई गई थी, लेकिन उसके बाद वहाँ से जो मैं बची शूट के बहाने में, वहाँ से जो मैं बची, मैं आज तक अपना पानी खुद कैरी करती हूँ। चाहे मैं पैदल जाऊँ, चाहे मैं गाड़ी में जाऊँ, चाहे मैं ऑटो में जाऊँ, बस में जाऊँ, किसी में भी जाऊँ या टैक्सी में जाऊँ, मैं अपना खुद कैरी करती हूँ। और रहा सवाल अपना गाड़ी का, पता नहीं कब होगा, सोच के तो रखा है, अगर अपनी गाड़ी हो जाए तो बेहतर है, लेके क्योंकि मुझे बहुत, भगवान का सब, मुझे बहुत झिझक होती है दूसरों की गाड़ी में एवेल करना। दो आई पे द प्राइस ऑफ द डीजल, क्योंकि मुझे सर उठा के जीना पसंद है, सर झुका के नहीं। तो इन दैट सेंस आप लोग मेरी वीडियोस देखिएगा, और उन लोगों से मुझे मैं हाथ जोड़ के अनुरोध करती हूँ, आप लोग को अगर मेरे वीडियो में कहीं भी अश्लीलता लगे तो प्लीज़ मेरा वीडियो मत देखिए। आप पॉर्न साइट्स में जाके वीडियो देखिए, वहाँ बहुत सारे भगवान के भजन गीत हो रहे हैं, या उन औरतों का रील्स देखिए जिसमें सर से पांव तक कपड़े ढके हुए हैं और मुंह से जो है ना पूरा गंगा जल निकल रहा है मुंह से, फूल तो दूर की बात है, गंगा जल निकल रहा है। आप ऐसे वीडियो देखें, मेरे वीडियो से दूर रहे। अगर मैं ऐसी अश्लीलता को प्रायोरिटी देती या इसको अगर पुशअप करती, तो आज के तारीख में 5.5 से 6 लाख मेरे फॉलोअर्स हो जाते, या सब्सक्राइबर्स भी शायद ये फेसबुक कर देते, लेकिन ना ही इंस्टाग्राम, ना ही फेसबुक, ना ही यूट्यूब, कहीं भी मैंने इस अश्लीलता को प्रमोट नहीं किया है। इसलिए हर दिन ऑन एन एवरेज 140 से 150 लोगों को मैं फेसबुक से ब्लॉक करती हूँ। मेरा और एक फेसबुक पेज है प्रिया लाहिरी के नाम पे, जो कि अब बहुत छोटे लेवल पे है, वो भी धीरे 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 जाके बूस्ट हो रहा है, अच्छे लेवल पे जा रहे हैं। तो मैं, मेरी मेहनत है, मैं जितना हो सके शरीर को मद्देनज़र रखते हुए कर रही हूँ, लेकिन कब तक कर पाऊँगी ये मुझे मालूम नहीं, लेकिन मुझे करना है, बिकॉज आई नीड मनी फॉर डे टू डे सर्वाइवल ऑफ माई चिल्ड्रेन, डे टू डे सर्वाइवल ऑफ मी एंड मेरी मेडिसिन। रखती हूँ, मिलती हूँ और एक वीडियो में, और ज़रूर ये वीडियो देखिए, फैशन स्टेटमेंट ब्रॉलेट है, क्रिटिसिज्म तो होगा ना। नमस्ते।